नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ ज्ञान स्टडी में। हमारी आज की कहानी है भगवान का जवाब। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया और वो पूरी तरह निराश हो गया। अपनी ज़िंदगी से बुरी तरह थक चुका था, अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन परेशान होकर वो जंगल में गया और जंगल में काफ़ी देर अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ। मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं क्यों ना व्यथित हूँ, भगवान मेरी सहायता कीजिए। भगवान का जवाब, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरी साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ भी लगने लगीं, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरी साल भी बांस के बीज का में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मित्र मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। पाँच साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा था और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को वृद्धि करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़े, तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सको। मैंने बांस पर हार नहीं मानी, मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छूओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी ज़िंदगी में संघर्ष से मत घबराओ, यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।